नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि के लिए 2021 कैसा जाएगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों का जो एक स्वभाव होता है कि ये अपने किसी भी करियर या किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और इनको आसानी से मोटिवेट किया जा सकता है। बाकी ये लोग बुद्धिमान होते हैं और सोच समझ के निर्णय लेते हैं, लेकिन हाँ, इनको मोटिवेट किया जा सकता है। और इनको अगर ये इमोशनल होते हैं तो इनको ज़्यादा समझाओ तो ये उसकी बात को समझ के और अपने ऊपर हावी होने देते हैं, यानी अपने कार्य में दूसरों के हस्तक्षेप को ये परमिशन देते हैं। अब बात करते हैं हम कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2021 कैसा जाएगा। ओवरऑल अगर हम पूरा एनालिसिस करके बताएं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है, 2020 से बेहतर है। बहुत अच्छा नहीं है, मगर 2020 से तो काफ़ी बेहतर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी में वैसे सही है, प्रमोशन के भी चांसेज हैं। अगर नौकरी में स्थानांतरण के और बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं, बस जून जुलाई इन दो महीनों में। अगर करियर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो करियर के क्षेत्र में नौकरी के लिए ये दो महीने खतरनाक हैं। इसमें नौकरी जाने का खतरा है और आपको हो सकता है किसी बड़ी विवाद में या किसी बड़े डिस्प्यूट में आपको घसीटा जाए, तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों से आप बचें। अब रही बात प्रोन्नति की, यानी प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिए भी ये साल जो है आपके लिए अच्छा है, लेकिन जून जुलाई और सितंबर इस महीने में अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं या प्रमोशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस मामले में अगर आपको ना ज़्यादा सक्रिय ना हो तो बेटर है, और बेहतर है कि आप इसको उठाएं जनवरी फरवरी मार्च में। यानी अपने प्रमोशन के लिए अगर आप कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है। इसके बाद आपके लिए सितंबर के बाद का महीना अच्छा है। जून जुलाई और सितंबर खासतौर से अवॉइड करें कि इसमें इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इस समय नौकरी पर ही खतरा है, तो इन चीज़ों के लिए रहेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी नौकरी के लिए ये साल सही है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार वर्ग के लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने का समय है, और इस समय पैसा लगाना और पैसा में मतलब व्यापार, नए सिरे से कोई व्यापार या नया व्यापार खोलने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यानी व्यापार वर्ग के लिए समय अच्छा है, नौकरी पेशा के लिए भी अच्छा है। बहुप्रतीक्षित जो प्रमोशन है वो साल के शुरुआती 3 महीनों में बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। बस जून जुलाई थोड़ा दिक्कत भरा है, क्योंकि परिवर्तन के स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, तो ऐसे में हम हर तरह से एनालिसिस कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि ये खतरे का समय है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दैनिक इनकम करते हैं, यानी जो ना तो नौकरी करते हैं ना व्यापार ही कहा जाएगा, वो दैनिक इनकम करते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। मगर जो पहले जो चले आ रहे थे, 2020 से पहले का जो समय था उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 2020 से तो अच्छा है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों के विषय में, वैवाहिक जीवन के विषय में। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है मगर अच्छा है। इस मामले में थोड़ा सा डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है, मे बी पॉसिबल आपका दिल टूटने की संभावना है, या जो रिश्ते बहुत समय से चलने आ रहे हैं उसमें दरार पड़ने की संभावना है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहें। बाकी दाम्पत्य जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। संतान के विषय में थोड़ा आप चिंतित रह सकते हैं, और संतान को लेकर आप लोगों में मतभेद हो सकता है, क्योंकि संतान को लेकर आप दोनों की राय भिन्न भिन्न हो सकती हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, मिल बैठ के चीज़ों को सॉल्व करने के प्रयास करें तो इस टाइप की कोई समस्या आपको प्रभावित नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कैसा जीवन रहेगा। तो जो विद्यार्थी वर्ग है या जो किसी कॉम्पिटिशन या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो कुल मिला के जो पढ़ रहा है और जो किसी पढ़ रहा है और किसी करियर के लिए तैयारी कर रहा है, उन सबके लिए समय कैसा है। देखिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा समय है। अच्छा समय है साल के शुरुआती महीनों में, अगर कोई रिजल्ट बहुप्रतीक्षित है मार्च अप्रैल तक, तो उसमें आपको पूरी पूरी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर वो रिजल्ट पेंडिंग है और वो मई जून जुलाई अगस्त में आता है, सितंबर तक भी आता है, तो उम्मीदें कम है। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर कोई आता है तो 100% उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन या आपका जो भी आप इंतजार कर रहे हैं, आवेदन किए हैं, उसमें सफलता आपको मिले। अगर आप बाहर विदेश जाना चाहते हैं तो इस साल को ना चुनिए, अगले साल को चुनिए, या इस साल में नवंबर दिसंबर में अप्लाई करिए ताकि उसका रिजल्ट 2022 तक आपको पता चले, क्योंकि 2021 में किया गया यात्रा आपके लिए सफल नहीं होगा। खासतौर से शिक्षा से रिलेटेड अगर आप करेंगे तो सफल नहीं होगा, इसलिए आप इससे बचें तो बेहतर है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत के अनुसार सफलता मिलने वाला साल है,
कम मेहनत कम सफलता, ज्यादा मेहनत ज्यादा सफलता, बहुत मेहनत पूरी सफलता। तो उस हिसाब से अपने रेशियो को देखिए, भाग्य प्रतिशत की जगह नहीं कर्म प्रतिशत का ये साल है। ये पूरा साल वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने कर्म को प्रधान समझने का साल है। कर्म करेंगे तो उस अनुरूप फायदा मिलेगा, फल मिलेगा। कर्म कम करेंगे, कर्म उस हिसाब से नहीं करेंगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर ये साल ठीक है, कोई बहुत विशेष किसी घटना की ओर संकेत नहीं कर रहा है। पेट वेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो भी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसको बताया जब मैंने स्वास्थ्य को लेकर सही है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर जरूर चिंतित रह सकते हैं, लेकिन वो खुद के स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी बड़ी समस्या या बड़ी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। संतान के विषय में वाद विवाद भी जो मैंने आपसे कहा वो स्वास्थ्य को लेकर नहीं, उसके करियर, उसके रहन सहन, उसकी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, मगर स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं है। वो चिंता उसके और चीज़ों को लेकर है। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए स्वास्थ्य सही है, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए आपको चिंता हो सकती है, मगर खुद के स्वास्थ्य के लिए आपका समय सही है। अब धन संबंधी अगर कहें, क्योंकि करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य हमने आपको बता दिया, अब बात करें वैवाहिक संबंध हमने आपको बता दिए, लेकिन अब बात करें कि धन संबंधी क्या स्थिति रहेगी। यानी टोटली अगर पूरे वृश्चिक राशि वालों की कुंडली को एनालिसिस करें तो वो क्या कहती है, वो धन संबंधी आपसे क्या कहती है। तो पूरा अगर ओवरऑल हम रिजल्ट निकालें तो ये कह रहा है कि 2020 से 2021 काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हम 100% अगर इसको रिजल्ट करें तो हम इसमें आपको नंबर देंगे 60%, 40% तो आपको अपने कर्मों पे आधारित रहना होगा, क्योंकि भाग्य साथ देगा, भाग्य इसमें डंप नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिले या सब कुछ बहुत अच्छा हो इसकी संभावना ज़रा कम दिख रही है। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है। बहुत प्रतीक्षित जो रिजल्ट हैं वो तो पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जो नए अवसर हैं उसमें आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए सही समय है, अच्छा समय है, उसमें उसको सफलता मिलने के पूरे पूरे संकेत हैं। तो व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, ये सारे वर्गों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा के लिए भी जून जुलाई छोड़ दीजिए तो अच्छा है। दैनिक इनकम करने वालों के लिए भी ये समय 2020 से बेहतर है, उतना बेहतर नहीं है तो उसके लिए वेट करिए 2022 तक, वो भी पूरी तरह से सही आ जाएगा। इसका कुछ प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोरोना का प्रभाव भी इन सब राशियों पे भी है, सब पूरे मानव जाति पे है, तो उसका भी असर इन राशियों और ग्रहों के दशाएं उस टाइप से बन रही हैं कि वो चीज़ें वैसी ही दिख रही हैं जैसी हो रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे पूछिए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। नमस्कार।